तो आखिर मैं इतना खुश क्यों हूँ? सुबह सुबह देखो मम्मी कितना मेहनत से खाना बना रहा है। अरे आज तो मेन्यू में पराठा नींबू जिया के साथ गरम चाय मिलेगा। इसको तो देख के मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। नाश्ता करने के बाद बसंती को ध्यान से उतारा था ताकि चोट ना लगे। फिर क्या, बसंती को लेकर आ गया लुल्लू भैया के पास, बट यहाँ पे तो मंजू भैया अपने घर के सारे कपड़े लेकर आ गया धूप में सुखाने के लिए। उसके बाद बहुत देर से एक छोटा बच्चा वहाँ पर खड़ा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। फिर क्या, वहाँ से कुत्ता आ रहा था, उसी समय मेरे को समझ आ गई कि कुत्ते की डर की वजह से आगे नहीं जा पा रहा। फिर क्या, थोड़ी देर बाद मेरे को बहुत नींद आ रहा था, लुल्लू भैया मेरे को गौर से देख रहा था ताकि उस दिन का बदला ले सके। फिर क्या, मैं तो बहुत गहरी नींद में था, उसी समय लुल्लू भैया अपना हाथ उठाया मेरे को जड़ दिया। मैंने जब अपने आंखें खोल के देखा लुल्लू भैया तो पपीता खा रहा था मजे से। फिर ये सब देख के मैं तो सो गया। कुछ ही मिनटों के बाद घर के लिए निकल गया और आते ही अपना हथियार निकाला। इस हथियार ने तो मेरे पूरा मुंह का बाल आउट कर दिया। फाइनली इस मशीन के टच के बाद मेरे को एकदम चिकना बना दिया। अभी मैं बंदर से थोड़ा इंसान लग रहा हूँ ना जी। नहा धो के बैठ गया स्क्रिप्ट लिखने के लिए, बट आज मुझे लगता है ये पंखा मेरे को लिखने नहीं देगा, बहुत जोर जोर से आवाज निकाल रहा है। तभी मैंने वहाँ से एक कुर्सी लिया और उसके ऊपर चढ़ गया। फिर थोड़ा कोकोनट ऑयल ऊपर डाल दिया, इसके बाद एकदम बिना आवाज की ये मक्खन की तरह चल रहा है। फिर इवनिंग पे मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं और लुल्लू भैया चला गया थोड़ा रोड देखने के लिए। जब मैंने एंटर किया देखा कि अभी तक रोड स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद मैं सोच रहा था कि आखिर ये कब स्टार्ट होगा। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ऊपर चढ़ गया और सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। फिर कुछ मिनटों के बाद यात्रा शुरू हुआ, बट शुरू होने से पहले उसका ऊपरी हिस्सा नीचे गिर गया। ये तो देखने के बाद मेरा हार्ट भी तेज हो गया, फिर पंडित जी ने उसको ठीक कर दिया। ये देखने के बाद मेरा जान पे जान आया। फिर क्या, रोड देखने के बाद घर के लिए निकल गया। कुछ ही मिनटों के बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका का फर्स्ट T20 मैच देख रहा था। रोहित और शुभम की वजह से इंडिया 230 रन बना पाया। अब तो हमारे मियां भाई काफी है पूरा लंका का धड़ से विकेट लेने के लिए, लेकिन यहां तो गेम उल्टा हो गया। हमारे रियन बड़ा की 3 विकेट की वजह से इंडिया 43 रन से जीत गया।